अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हर सुख तो जी, कल मैंने जो शेप्स ना रेडी करके चली गई थी मैं, जैसे कि ब्राउन डर्ट की और प्योर डर्ट की, इन दोनों टेक्सचर्स को मैं रेडी करके चली गई थी नीचे। और आज मैंने क्या कहते हैं, जल्दी से ना मैं वीडियो बना लूँ फटाफट से, बच्चे जो है ना अभी गए हुए कहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि इससे पहले कि उनका शोर आए तो हम जल्दी से वीडियो बना लेते। मैं मोबाइल जो था वो ट्राईपॉड पे लगा लगी थी, तो डर्ट्स जो थी मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको दिखाया कल डर्ट मैंने निकाल के ग्रे डर्ट यहाँ पे रख दी थी, और यहाँ से मैंने यकीन करें पहले यहाँ शेप्स बना ली थी कॉन्क्रीट डर्ट की जो मैंने रीन्यू टेक्स्चर किया है, तो उसके बाद ना यहाँ पूरी जगह ब्लॉक हो गई थी। मैंने कहा मैं ये शेप्स यहाँ से कैसे उठाऊँ, ये जो रेड ग्रिटी की यहाँ पड़ी, इतनी मुश्किल से मैंने बताया आपको अंदाज़ा लगा ये जगह शेप्स पड़ी हुई हैं, वो जगह उतर बैठ के इतनी मुश्किल से मैंने ये शेप्स यहाँ से उठा के यहाँ पे रखी हैं। उफ, मैं थक गई थी। अब मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं मोबाइल का सेटअप करती हूँ और फिर आपको जैसे टाइम बचता है तो थोड़ी टाइम क्रमलिंग कर लेंगे और फिर देखें जो जो काम करने की एक तरतीब बनेगी कर लेंगे, बाकी फिर देख लेंगे। अच्छा जी, वीडियो मैंने बना ली है और देख सकते हो अब मैंने इसकी टाइम कवरिंग आप लोगों के साथ कर लेती हूँ शेयर, ठीक है। ये माइक जो है ना ये बड़ा मुश्किल से सेट होता है, तो चलिए जल्दी से टाइम कवरिंग कर लो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कर ली। काफी पेस्ट वाला टेक्सचर हो गया, पर कोई हो गया सब, लेकिन शेप सुना क्या करती हूँ जल्दी से फिर आपको मिलती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोडियस मार्केट टेक्सचर्स सिखाऊंगी जो उन्होंने आज रेडी किए हैं। उन्होंने अपना ग्रिटी रेड ग्रिटी टेक्सचर रेडी किया, ये उन्होंने अपना कलर रेडी किया था कॉन्क्रीट जो ग्रिटी क्ले है, और इनकी रेड डर्ट देखे कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और अगर आपको इसकी वीडियोस देखनी है तो आप इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह उनकी वीडियोस आजकल आ रही है उनके चैनल पे कि एक से बढ़कर एक वीडियो उनकी माशाल्लाह कमाल लग रही है। टेक्सचर वाइज, क्रमलिंग वाइज, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। उनकी वीडियो में कुछ भी ऐसा कमी नहीं है कि आप देखें तो आपको कि हाँ मज़ा नहीं है, बहुत मज़ेदार उनकी वीडियोज़ बन रही है। तो लास्ट में उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उनका वॉच टाइम कंप्लीट कराएं ताकि जल्दी से उनका चैनल भी ग्रो करे, ठीक है। तो ये देखें उन्होंने ये अपना ब्लैक डर्ट जो है, ब्लैक चार्मेंट टेक्सचर है वो रेडी किया हुआ है, ये ग्रिटी सीमेंट है, ग्रिटी सैंड जो है वो है, और बाकी टेक्सचर्स तो आपको मैंने बता चुकी हूँ क्या है। तो ज़बरदस्त इन टेक्सचर्स की वीडियोज़ आपने देखनी है तो जल्दी से मोडियस स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। अब हम भाई नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं जिसको आपने सब्सक्राइब करना है इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की सपोर्ट जो है, आप लोगों की सपोर्ट जो है मुझे जैसे ही याद आया करेगा मैं किसी न किसी चैनल का नेम मेंशन कर दिया करूँगी।
तो भैया आपने जाकर जी आर क्यू एस एम आर है उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, स्टार एस एम आर है उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दो चैनल्स फ़िलहाल मैं नए मेंशन करा करूँगी, बाकी ज़्यादा चैनल्स होने इस तरह बंदा कंफ्यूज हो जाता है और बाकी बंदों को भी भूल जाए कि भाई कौन कौन से चैनल जो हमने बताए हैं, ठीक है। और ये देखें रेड ब्यूटी जो मेरा टेक्सचर, मैंने उसकी परसों शेप्स एडिट की थी, ठीक है। कल बेटा कह रही हूँ, कल ब्रेक डाउन था लाइट का, सारा दिन लाइट नहीं, और मेरी इतनी, मैं कहती हूँ मैं रात को मोबाइल मेरी बिल्कुल ना लो बैटरी थी, तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई करने बैठी थी तो उसी चक्कर में मेरी 100% बैटरी ना यूज़ होगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह उठ के इंशाल्लाह ताला मैं चार्ज कर लूँगी मोबाइल। मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया इसी चक्कर में, मैंने कहा कि बैटरी नहीं है मोबाइल की, मैं कैसे व्लॉग एडिट होगी। तो मैंने अपना व्लॉग भी नहीं एडिट किया, मैंने मोबाइल भी चार्ज नहीं किया, और जब मैं सुबह उठी तो 7:30 लाइट चली गई थी, और मेरा इतना मूड ऑफ, और सारा दिन ऊपर से जब पता चला कि पूरा दिन लाइट नहीं आनी, 27 घंटे लाइट नहीं आनी है, तो मैं तो इतनी, क्या बदतमीजी है ये, बस कर दो, पूरा दिन लाइट नहीं आएगी, तो मैं तो कहा लो जी आज तो वीडियो भी नहीं जाएगी, मोबाइल ही नहीं ऑन होता क्योंकि मोबाइल चार्ज ही नहीं था। इस वजह से मेरी कल कोई वीडियो नहीं आई, कोई व्लॉग नहीं आया, तो ये चक्कर था जी। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ। तो ये है जी रेड ब्यूटी की टेक्सचर की, मैंने परसों शेप्स ऐड की थी, एक कॉन्क्रीट रेड की शेप्स परसों मैंने रेडी की थी जो मैंने इससे लिक्विड सेपरेट किया था, और अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। ये मेरा येलो ग्रीनी सैंड है, इसके ऊपर मैंने डर्ट जो डाली थी, और ये भी ड्राई टेक्सचर होने लगा, और मैंने रेड ब्यूटी कह रही हूँ, रेड डर्ट की जो मैंने स्लेंडर शेप्स थी ना उनको बस क्रम्बल किया था अपनी वीडियो में, मैंने बाकी टेक्सचर को नहीं क्रम्बल किया था जो चंक्स बने थे क्योंकि वो डैम थे, और मैंने जो सिलेंडर चंक क्रम्बल किए थे मैंने उसकी बॉल्स बना दिए थे, ये देख लें बॉल्स बना दिए थे, और ये भी ऐसे जैसे इनके ऊपर फिर से मनहूसियाँ छाई हुई हैं इन बॉल्स पे। जल्दी से मैं आज ज़्यादा बकबक नहीं करनी है, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा गाइड, अभी इसकी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मेरा जी कॉन्क्रीट डर्ट कह रही, ब्राउन डर्ट है, ब्राउन ग्रिटी डर्ट, अब मैं इसकी पोरिंग करूँगी, सारी सफाई वगैरह कर ली आज। और एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, ये मैंने देखें ग्रे क्ले जो थी, ग्रे डर्ट जो मैंने उसको निकाल के इधर दिया था, वाइट डर्ट को भी उधर रख दिया था, और मैंने जो टब में डर्ट पड़ी थी ना मेरी सॉफ्ट डर्ट, उसको भी मैंने बाहर निकाला था टब से, मैंने कहा कि किसी तरीके से ये निकालूँ इसको और फिर इसकी चंक्स बना के वहाँ पर रख दूँ जो जगह खाली पड़ी हुई है। और इसको देखिए ज़रा नहायत ख़राब लग रहा है ये टेक्सचर, और ये मैंने जो ना रेड डर्ट जिसको निकाल के कई सारे क्रैक्स पड़े हैं, फिर ये टूट जानी है, तो मज़ा बकवास, पता नहीं चल रहा क्या क्यों ख़राब हो रही है, बार बार छोड़ें इसको। तो जल्दी से वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला काम के दौरान, अभी के लिए व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वीडियो रिकॉर्ड कर ली जल्दी से, हाँ जी
अच्छा जी, मुझे ना इट्स मी हूड़िया जो है ना उनकी 2 फरवरी को बर्थडे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बकेट शेप बना दें। अब पता नहीं 6-7 दिनों में ये बकेट्स ड्राई होती है या नहीं, क्योंकि बीच में बारिश का भी बता रहे हैं। मैं तो बना के रख दूँगी हूड़िया, लेकिन आगे से टेक्सचर ड्राई होता है ये नहीं होता, ये तो भाई मौसम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोशिश तो है कि बना के रख दूँ ताकि ड्राई हो जाए जल्दी से। आज है 26 कह रही हूँ, 24, तो देखते हैं इन 6-7 दिनों में ड्राई होता है कि नहीं। ये हमने कर ली, तो पेस्ट वाला टेक्सचर हो गया। अगर मैं इसको कम पानी में रेडी करती ना तो इसके चांसेस से हो जाता अच्छे से ड्राई, लेकिन ये ड्राई हो गया ज़्यादा पेस्ट वाला। चलो कोई नहीं, इसकी शेप ना लूँ, फिर मिलती हूँ। चलो इधर कट कर ली जाए, वीडियो बना रही थी तो मैंने ना उसके बाद ना इस टेक्सचर को उठाने के लिए बड़ी मेहनत की है, और वहाँ से मैंने जो है ना टेक्सचर क्या कहते हैं उठाया, जो आपको पता ही होगा मैंने वहाँ रखे हुए थे ये सिलेंडर्स कौन शेप जो भी है, तो मैंने सैंड जो है ना प्योर सैंड की शेप्स उठा के ऊपर रखी है, और वाइट ग्रीनी सैंड के बॉल्स को ज़्यादा वाइट ग्रीनी सैंड के बॉल्स को फिर से तरतीब से रखा है, और वो ब्लैक डर्ट को भी, वो ब्लैक डर्ट में जो मैंने हार्ट बनाया था ना वो टूट गया उठाते हुए मेरे, तो बड़ा दुख हुआ मुझे। खैर जल्दी से वीडियो बना लेते हैं, बारिश वाला मौसम ऐसे लग रहा है बना हुआ, लेकिन हम अपना काम जल्दी से कर लें फटाफट से। आज मैंने मुझे स्मार्ट से ये सीग्रीन टब जो है वो उधार लिया हुआ है, मेरा दिल चाहता है मैं स्टमिक क्रमलिंग करूँ कैसा रिजल्ट आता है, अगर अच्छा है ना तो मैं बाजार से जाकर इस कलर में टब ले करूँगी। तो चलिए जल्दी से फिर थंबनेल लेते हैं और फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्लैक डॉट की वीडियो बना ली थी, इसके लिए आपके साथ ग्रैम क्रमलिंग शेयर कर देती हूँ। Thank you.
अच्छा नलका बंद करो, तुम क्या पानी जाया करने लगी हुई हो? तो भाई ये थी थोड़ी सी डैम कमी। तो मैं इस टैक्सी की शेप बना लूँ फिर लॉक एंड करते हैं। अच्छा मैं पोरिंग करने लगी हूँ, मैंने कहा जल्दी से कर दी, शोर थोड़ा सा साथ बंद हो गया, जल्दी से पोरिंग करती हूँ फिर बनाएगी जो है लॉक एंड करते हैं। यही पोरिंग करो जल्दी से। मैंने पोरिंग भी की है साथ में, मैंने सेपरेट टेक्सचर भी किया है क्योंकि मुझे एक साथ टेक्सचर नहीं इकट्ठा करके लिक्विड सेपरेट करना था। मैं साथ साथ लिक्विड सेपरेट भी कर रही थी, साथ साथ टेक्सचर से साथ साथ मैं पोरिंग भी कर रही थी, तो एक साथ मैंने ये दो काम किए। मैंने कहा था मैंने टेक्सचर को थोड़ा सा ना क्या कहते हैं वो करना है रिफ्रेश। ये था जी आज का व्लॉग, जो मैंने डर्ट के केक्स डर्ट जो है पीसीस जो मैं कल कट करेंगी इंशाल्लाह ताला। आज के लोग यही करते, मिलते हैं आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।